बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा, वेयर वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम बेसिक टू द एक्सट्रीम। माय सेल्फ केशव बंसल, एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में कम्युनिकेशन एंड इट्स के जो टाइप्स हैं उसको स्टडी करेंगे। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पार्ट टू होगा। ठीक, पार्ट वन में हम जो भी इंट्रोडक्शन है, ठीक, इंट्रोडक्शन हमने स्टडी कर लिया था पार्ट वन में, एंड एडवांटेजेस हमने स्टडी कर लिए थे। फिर हमने टाइप्स की बात करी थी, जिसमें हमने विजुअल जो टाइप है, जो सबसे कॉमन यूज होने वाला टाइप है, वो हमने स्टडी कर लिया था। ठीक, आज हमें करना है केमिकल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी टाइप। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा था भाई, अच्छा, जो केमिकल कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? केमिकल कम्युनिकेशन सर्टेन केमिकल्स के थ्रू होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अभी केमिकल्स हो सकते हैं दो तरीके से यूज किए जा सकते हैं, या तो बिटवीन मेंबर्स ऑफ सिमिलर स्पीशीज। ठीक है, बिटवीन मेंबर्स ऑफ सिमिलर स्पीशीज, तो उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे कॉन स्पेसिफिक्स। ठीक, या फिर किया जा सकता है इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, यानी मेंबर्स ऑफ बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक, तो अगर हम कॉन स्पेसिफिक्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उन केमिकल्स को हम पर्टिकुलर टर्म देंगे और कहेंगे फेरेमोन्स। ठीक, और अगर हम कम्युनिकेशन केमिकल कम्युनिकेशन की बात करें बिटवीन इंटर स्पेसिफिक्स, तो हम टर्म देंगे कायरोमोन्स। क्लियर, और फेरोमोन्स हम ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में इसकी। क्लियर, फिर हम बात करते हैं कि हमने कहा ये बहुत प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सिग्नल्स हैं। ठीक है, और इसमें जो हम जो केमिकल्स सिक्रीट किए जाते हैं एयर में, किसी मीडियम में सिक्रीट किए जाएंगे। ठीक है, अगर एयर में कोई टेरेस्ट्रियल है, कोई बेसिकली विंड है ना, एयर में फ्लाई करने वाला है, तो एयर के थ्रू बेसिकली जो ट्रैवल करेंगे केमिकल्स, और कोई वाटर में रहने वाला है, एक्वाटिक जीव जंतु है, तो वाटर में रिलीज कर देगा। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है? कोई स्पेसिफिक ग्लैंड्स जो बॉडीली सिक्रेशंस सिक्रेट कर रहे हैं, हो सकता है यूरिन में, स्वेट में। ठीक है, यूरिन में और फीसिस में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं, बिकॉज उसके लिए कोई स्पेशल ग्लैंड भी रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, आपने डॉग्स को या फिर कोई भी जो वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, इवन उन्हें अपनी टेरिटरी मार्क करते देखा होगा, वे है ना, कहीं कहीं जगह करते रहते हैं। तो अच्छा, विजुअल साउंड और टैक्टाइल में ये वाली बात है कि जो केमिकल सिग्नल है वो एनवायरनमेंट में क्या करेगा? परसिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो विजुअल का क्या है, विजुअल आप यहाँ पे आप लेट से आप यहाँ पर क्या नशी मुझे प्रोड्यूसर प्रेजेंट है और एक रिसीवर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब तक प्रोड्यूसर प्रेजेंट है तब तक ही रिसीवर सिग्नल को रिसीव कर सकता है। ठीक है, जब तक वो सिग्नल प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में। ठीक है, उसे प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि विजुअल है। ठीक है, और साउंड में भी यही है कि साउंड हमेशा परसिस्ट नहीं करेगी, एक बार उसने आवाज़ दी फिर वो जो साउंड वेव्स हैं डिसअपीयर हो जाएंगी। ठीक, टैक्टाइल में भी छू के पता करना पड़ेगा, तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये परसिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एट द मोमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज सिग्नल्स, ठीक, रिसीवर को रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये एमिट किए जा रहे हैं तभी रिसीवर को रिसीव करना पड़ेगा, वरना वे सिग्नल्स जो है एनवायरमेंट में खो जाएंगे, डिसिपिएट कर जाएंगे। ठीक, जबकि जो केमिकल सिग्नल है वो एनवायरमेंट में परसिस्ट कर सकता है, यानी प्रोड्यूसर अपना कुछ और काम कर सकता है। उसे सिर्फ ये नहीं कि मुझे सिग्नल प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूसर ने सिग्नल कहीं पे भी से रिलीज कर दिया। ठीक, और वो एनवायरमेंट में परसिस्ट कर रहा है, जब रिसीवर आएगा तो वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, अच्छा, ये एक स्लो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है फॉर श्योर, जब परसिस्ट करेगा है ना, तो विंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू ये फ्लो करेगा। तो एक तो ये वाली बात होगी कि इनकी जो वीकनेस, ये वीक हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे ये एनवायरनमेंट में फैलना शुरू करेंगे एक बड़े एनवायरनमेंट में, ठीक, तो वैसे वैसे इनकी कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम हो जाएगी, इन केमिकल मॉलिक्यूल्स की, तो वीक हो जाएंगे। दूसरी बात कि जो एयर के और या फिर वाटर के करंट्स होंगे, जहाँ जिस तरफ बहाव होगा, ठीक है, उसी तरफ ये बहेंगे। सो ज़रूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन में जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किए थे उसी डायरेक्शन में बहें। ठीक है, तो सर्टेन इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इनके शॉर्ट कमिंग्स हैं कि स्लो फॉर्म है, वीक कर देते हैं। ठीक है, इन मीडियम के भरोसे हैं, ये कहाँ ले जाएं उन्हें, और इवन इफेक्टिव नहीं है। कैसे इफेक्टिव नहीं है? कॉम्प्लेक्स और चेंजिंग मैसेजेस के लिए इफेक्टिव नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्योंकि भाई विजुअल के थ्रू, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीज का डांस हो गया। ठीक है, बी का जो डांस होता है बगल टेल, वो उससे बताती है कि स्पेसिफिक बहुत कॉम्प्लेक्स डांस होता है, कि जिससे बताती है कि भाई कहाँ पर मेरा जो फूड है, ठीक है, या फिर जो न्यू हाइव है जहाँ पे उन्हें रहना है, नया घर बनाना है, तो वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक, कितना उन्हें जाना पड़ेगा, और अगर फूड है तो कितनी क्वांटिटी है, तो वे सब इतनी कॉम्प्लेक्स मैसेजिंग कर देती हैं, बट वो विजुअली होता है। ठीक है, विजुअली, तो ऐसे विजुअली जो मैसेज होता है वो किया जा सकता है।
ठीक है। तो बट यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स मैसेज जो है वो नहीं दे सकते इतना फेरोमोन्स के थ्रू, ठीक, सिंपल मैसेज नहीं कर सकते, और चेंजिंग मैसेज नहीं कर सकते। हो सकता है विजुअली कि सर्टेन सिचुएशंस में लेट्स से ए सिग्नल दे रहा था, फिर एकदम उसने जब सिचुएशन चेंज हुई तो बी सिग्नल दे दिया, सी सिग्नल दे दिया, ठीक है। ऐसी ऑडिटरी में भी हो सकता है, अलग अलग आवाज़ें निकाली जा सकती हैं अलग अलग ड्यूरेशन में, ठीक। बट केमिकल में क्या है, एक ही, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता ना, वो सिंपल होता है, वो जस्ट एक कुछ थोड़ा सा इंडिकेशन देगा, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, अगर विद टाइम चेंज नहीं हो सकता वो मैसेज, जो केमिकल छोड़ दिया गया वो वही छोड़ दिया गया, ठीक है, वो मैसेज चेंज नहीं कर सकता, क्लियर। फिर हमने बात करी है कि जैसे ये कुछ एग्जांपल्स बताएं कि भाई जो यूरिन होता है, फिसिस होता है, वो किस के लिए यूज की जा सकते हैं, टेरिटरी मार्क करने के लिए, ठीक है। और इवन कई बार कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जो उनके राइवल्स होते हैं, फिर अपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कॉन स्पेसिफिक्स होते हैं, उन पर यूरिनेट कर देते हैं, फिर डिफेकेट कर देते हैं, ठीक है। ये आपने देखा भी हो सर्टेन वीडियोस में, स्पेशली टाइगर की वीडियोस देखे होंगे जिसमें टाइगर क्या करता है, ऐसे यूरिनेट कर देता है अपने एक जैसे चैलेंज करने के लिए भी, या फिर अपने डोमिनेंस जताने के लिए, ठीक। ऐसे इनाल ग्लैंड किसमें, जो ब्लैक और रेड टैमरिन है उसके अंदर, वो भी एक स्मॉल स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस को सिक्रेट करता है, जिसका फंक्शन क्या था कि और दूर रहें, ठीक है, यानी एक तरह से अनप्लीजेंट स्मेल को प्रोड्यूस करेगा। वाइल्ड बीज क्या करता है, अपने बीबी को लिक करता है, ठीक है, और सलाइवा की जो उससे जो सेंट होती है उसके थ्रू वो क्या रिकॉग्नाइज कर लेता है कि भाई ये मेरा बेबी है, तो एक तरह से किन रिकॉग्निशन में यूज होता है, ठीक। फिर हम बात करेंगे ऑडिटरी कम्युनिकेशन की, ऑडिटरी कम्युनिकेशन में साउंड को फॉर श्योर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन वे है, बिकॉज आपने अलार्म कॉल्स का देखा होगा कि किस तरह से अलार्म कॉल्स का हमने एग्जाम्पल पहले भी यूज किया है, कि कोई भी टाइगर आ रहा है तो डियर अलार्म कॉल देगा तो साथ वाले सतर्क हो जाएंगे। ये तो हुआ कौन स्पेसिफिक्स में, इवन जो इंटर स्पेसिफिक है, यानी बर्ड्स की जो चीपिंग है, ठीक है, एकदम से कोई एनिमी आएगा तो बर्ड्स की भी चीपिंग डिफरेंट हो जाती है, वो अलार्म कॉल्स प्रोड्यूस करती हैं, तो उससे इवन मैमल्स भी जैसे एलिफेंट वो आगाह हो जाते हैं, ठीक है, कि कोई ना कोई लगता है यहाँ पर प्रेडेटर आ गया, क्लियर। ऐसी ऑडिटरी क्या होता है, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी मेटिंग के लिए, कॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और इकोलोकेशन के लिए यूज करते हैं बैट्स इसे, ठीक है। तो इकोलोकेशन करेंगे तो इकोलोकेशन में बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, और हंटिंग के लिए, और बाकी क्या होता है, इवन अपना जो वे है वो पहचानने के लिए जो रास्ता है, ठीक है, क्योंकि वो बिट पे ब्लाइंड होते हैं तो इकोलोकेशन से अपना रास्ता ढूंढते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, और एनिमल्स जैसे अलग अलग इनके फीचर्स दिए हैं, एक डेंजर को कम्युनिकेट करने के लिए, रिप्रोडक्टिव रेडीनेस को करने के लिए, स्पीशीज रिकॉग्निशन करने के लिए, ठीक। और जैसे मैंने बताया था कि एक जो पेंगुइन्स होता है ना, और स्पेशली सीशोर बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि वे अपने किन को, अपने बच्चों को कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं, बेबी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। किन के अंदर सिर्फ बेबी नहीं आता, किन के अंदर और भी सात भाई बंधु वगैरह वो भी आते हैं, ठीक है, यानी उसके उसके साथ वाले क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक। तो अपने चाइल्ड, अपने बेबीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करते हैं, वो उनकी जो वॉइस है, ठीक है, जो ऑडिटरी वॉइस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज़ को सुनते हैं, उससे भी रिकॉग्नाइज करते हैं भाई ये अपना ये पराया है, ठीक। ऐसी अच्छा कुछ जो वॉइस होती हैं अभी ह्यूमन स्केल, जो ह्यूमन जिन्हें सुन नहीं सकता, ठीक है, कि भाई एक सर्टेन रेंज हो गई साउंड वेव्स की जिन्हें जो है ह्यूमन सुन सकते हैं, तो उससे हम कहेंगे ह्यूमन हियरिंग स्केल। अगर उससे नीचे होगी तो हम कहेंगे इंफ्रासाउंड, उससे ऊपर होगी तो हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड। तो दोनों ही ह्यूमन सुन नहीं सकता, ठीक है, ह्यूमन सिर्फ इस स्केल के रेंज में जो साउंड वेव्स आ रही हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी वगैरह वो सुन सकता है, बट उससे अगर लो होगी तो इंफ्रासाउंड है तो नहीं सुन सकता, ज़्यादा होगी अल्ट्रासाउंड है तो नहीं सुन सकता, ठीक है। तो जैसे कुछ कई बार होता है व्हेल्स हो गए या फीमेल एलिफेंट्स वगैरह हो गए, तो वे क्या करते हैं, इसे कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जब फीमेल एलिफेंट हो गए, वो जो भी चाहे कुछ भी है, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना है, डेंजर को कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो उसके इंफ्रासाउंड को यूज़ करती है, ठीक है। यानी बहुत सारी चीज़ें जो है एनवायरमेंट में, बहुत सारे सिग्नल्स प्रेजेंट है जो ह्यूमन रिसीव करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। जैसे हम विजिबल लाइट देख सकते हैं, बट हम अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं देख सकते अलग से, ठीक है, हम इन्फ्रा रेड लाइट नहीं देख सकते, ठीक, जो एनवायरमेंट के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, टैक्टाइल की बात करते हैं, टैक्टाइल में क्या होगा, आपको पता है छूकर, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू बताना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। इसके बहुत डिसएडवांटेजेस हैं कि जो प्रोड्यूसर है इसका एमिटर, उसे जस्ट प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है, रिसीवर के पास, ठीक है, उसकी काफ़ी लिमिटेशन है, ठीक।
तो जैसे सोशल बॉन्डिंग हो गया, इन्फेंट केयर हो गया, ग्रूमिंग हो गया, मेटिंग हो गया, इन सब में यूज होती है। ठीक है, वुल्फ्स जो हैं वो अपने जो बच्चे हैं, अच्छा दे लिख देर मजल्स भी नॉट बच्चे, जो मजल्स हैं उन्हें लिख करते हैं। ठीक, किसकी, जो डोमिनेंट मेल है, जो वुल्फ्स हैं उनके पैक में जो डोमिनेंट मेल है उनकी मजल्स को लिख करेंगे, ठीक, एज अ ग्रीटिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, बाकी एक दो और एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे कि मंकी है, मंकी एप्स वो क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा जैसे जुएं से निकाल रहे हैं, उनके फर पिकिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डोमिनेंस अफेक्शन शो करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी आंट्स की कॉलोनी है, उसमें टप एंड टैच, मतलब टैप एंड टच के थ्रू क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली। क्लियर, तो ये सारे वेज हैं जिनसे क्या होता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है एनिमल्स के रेस्पेक्ट में, हमने ये बात की है। ठीक है, तो यही था वीडियो, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ, इस सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉवल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।